हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास सेवन्थ हिंदी में लास्ट वीक हमने मुस्कान के मोती इस लेसन में बहुत सारे चुटकुले सुने थे। आज हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बच्चों, मैंने आपको ये हाथी वाला हाथी शीर्षासन कर रहा है ऐसा आप सब लोगों को चित्र ड्रॉ करने के लिए बोला था, चित्र दौड़ने के लिए बोला था। आशा करती हूँ कि सबने ड्राइंग किया होगा। आज हम अभ्यास के प्रश्नों की बात करते हैं। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न का उत्तर आपको आपकी नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ चुटकुले सुनाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। विद्यार्थी मित्रों, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी दो अच्छे चुटकुले बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, और स्कूल के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, बच्चे कैसे चुटकुले सुनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, कोई अपशब्द या अभद्र भाषा का उपयोग मत करिएगा या मत लिखिएगा। अच्छी तरह से अच्छा चुटकुला बना के या सुन के आपको 2 चुटकुले आपकी नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप 2 चुटकुले लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। यहाँ पे नीचे वाक्य दिए गए हैं, उसमें हम ऐसा शब्द रखेंगे जिससे हमें हंसी आ जाए या फिर चुटकुला बने। तो ऐसा शब्द रख के हमें चुटकुला बनाना है। तो यह 4 चुटकुले यहाँ पे बना के आपको यह 4 चुटकुले नोटबुक में भी लिखने हैं। तो पहला उदाहरण के तौर पर दिया गया है, शिक्षक ने कहा, हेतल मिठाई नहीं खाती। इसमें हेतल क्या है? तो छात्र कह रहे हैं हेतल मूर्ख है, मूर्ख है इसलिए वो मिठाई नहीं खाती है। तो ये भी एक चुटकुला बन गया। तो ऐसे ही हम सारे चुटकुले बनाएंगे। माँ ने कहा, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? माँ ने सोचा कि दरवाज़ा शायद खुला रह गया होगा, तो घर में कुत्ता कैसे घुस गया? तो बेटा बोला, चलकर, वो चलकर ही अंदर आया होगा। तो ये आंसर भी एक चुटकुले जैसा ही है। दूसरा है, दुकानदार ने कहा, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहक ने बोला कि मुझे मौका चाहिए, मौका आप अगर थोड़ा खिसक जाए या कहीं पे जाए तो मैं यहाँ से एक दो चीज़ लेकर चलता बनूँ। तीसरा, न्यायाधीश ने कहा, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोर ने क्या कहा कि बैंक के दरवाजे पर ताला लगा था, इसीलिए मैंने ताला तोड़ दिया। चौथा है, एक बुलबकड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। उसने डॉक्टर से बताया कि मुझे भूल जाने की बीमारी है। तो डॉक्टर ने बोला, यह याद आपको कब से है? तो बुलक्कड़ ने बोला, मुझे याद नहीं। तो ऐसे हमने 4 चुटकुले बनाए, जो है आपको ये पूरे चुटकुले आपको बनाकर आपकी नोटबुक में लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। अगर आप हाँ में उत्तर दे रहे हो फिर भी फंसोगे, अगर आप ना में उत्तर दे रहे हो फिर भी फंसोगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन के उत्तर है जो हाँ ना दोनों में आप फंसने वाले हो। तो ये भी आपको हाँ भी लिख सकते हो और आप ना भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन के उत्तर भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? अगर हम यहाँ कहेंगे तो हम मूर्ख बन जाएंगे, अगर ना कहेंगे तो भी मूर्ख तो है ही। तो इसका ये फंसोगे तो हंसोगे जैसी सिचुएशन है। दूसरा है, क्या तुम अकेले ही पागल हो? अगर हम कहेंगे ना तो यानी पूरा फैमिली पागल है, अगर हम कहेंगे हाँ तो मैं पागल हुआ। तो ऐसे ये फंसोगे तो हंसोगे वाला ही सवाल है। तीसरा है, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च किए कर दिए, तो मैं आप इसमें हम लिखेंगे हाँ, अगर ना कहेंगे तो वो बोले कि मुझे वापस दे दो, तो भी हम फंसेंगे। तो यहाँ पे उसका उत्तर होगा हाँ। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो बच्चों, आप सब मानते हो कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए? तो नहीं,
हमें बिना कारण के और बेवजह जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हमें हंसना नहीं चाहिए, वरना हमें क्या होता है, हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। अगर हम पढ़ रहे हैं तभी हम हंस रहे हैं तो क्या होगा, वो भी अच्छा नहीं लगता है। जब ऐसी जगह पे आप जा रहे हो कि जहाँ पे शोकमग्न सब खड़े हैं और वहाँ पे आप जाके हंसना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी आप मूर्ख साबित होगे। तो हर जगह हम हंस नहीं सकते। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न एक, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले और हम हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कर चुटकुले के रूप में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपके घर में अगर कोई ऐसा प्रसंग हो गया हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि माँ ने कहा बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया, तो बेटा ने कहा चलकर। तो ऐसे आपके फैमिली में भी, परिवार में बा दादा के साथ या फिर मम्मी पापा के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो, तो आपको एक ढूंढ कर यहाँ पे एक कोइंसिडेंस, ऐसा एक चुटकुला बनाकर आपको यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर एक में। प्रश्न नंबर दो है, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। भाषा, बच्चों आप सब जानते हो कि भाषा में जो वाक्य है, एक जो शब्द दिए गए हैं उसमें अनेक अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। जैसे यहाँ पे सोना शब्द है, तो सोना का मतलब होता है गोल्ड, धातु, और सोना होता है निंद्रावस्था। तो यहाँ पे सोने शब्द को लेकर एक चुटकुला बनाया है कि शिक्षक ने कहा लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं, तो छात्र ने कहा क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ पे सोना यानी कि पहले शिक्षक ने कहा है उसमें सोना यानी गोल्ड की बात की गई है, तो दूसरे छात्र सोना यानी सोने की बात कर रहे हैं। वैसे ही बस, उत्तर और कर, ये तीनों के अलग अलग चुटकुले आपको बनाने हैं। जैसा आप सोचते हो आप बना सकते हो। मैं जैसे आपको उत्तर उसका मीनिंग बताऊंगी, दो अलग अलग मीनिंग, कि एक है बस, बस यानी इट्स ओके, अब हो गया, इसको हम कहते हैं बस, यानी अब ख़त्म करो। और दूसरा है बस, बस यानी बस अभी आएगी। जैसे एक लड़का उसके पापा के साथ दौड़ के जा रहा है, तो वो बोला कि, बेटा बोला कि नहीं पापा अब मैं थक गया हूँ, अब बस करो। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बस अभी नहीं आएगी, अब बस तो शाम को आएगी। तो वैसे ही उत्तर और कर, उत्तर का होता है आंसर, उत्तर जवाब, और उत्तर का होता है उत्तर दिशा। तो उसके ऊपर आपको ऐसे चुटकुला जैसे मैंने बस के ऊपर बनाया वैसे आप सोचकर बना सकते हो और बनाकर आपको लिखना है। कर, कर यानी कि जो हम टैक्स भुगतान करते हैं उसको हम कर कहते हैं, और कर यानी हाथ। तो ये भी उसका सोचकर आपको बनाकर लिखना है। अब है प्रश्न नंबर तीन, उदाहरण के अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें चुटकुले आधे अधूरे हैं, हमें पूरे करके हमें नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। चलो उदाहरण देखते हैं। मालिक ने कहा तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर ने कहा ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, मैं तो बड़े तो आप हैं। एक मालिक ये कि दुखे तू बहुत बड़ा गधा है। तो फिर नौकर ने क्या कहा कि ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो क्योंकि आप तो मेरे से भी बड़े हो, तो यानी आप तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा गधे हो। अब दूसरा है, पतली गली में दो आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी बोला हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरा आदमी क्या कहता है, रास्ते से हट जाता है और कहता है पर मैं तो गधे को रास्ता देता हूँ। न्यायालय में दो वकील बात कर रहे हैं। पहला वकील कह रहा है तू गधा है, दूसरा वकील कहता है तू तो मेरे से भी ज़्यादा बड़ा गधा है। तो पहला वकील कहता है तू बहुत बड़ा गधा है। तो न्यायाधीश इन दोनों की बात सुनकर क्या कह रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ, यानी आप दोनों गधे हो तो मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं भी गधा हूँ। तीसरा है, लड़के ने कहा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो देखो, लड़की का पिता कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। तो लड़का कहता है जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो शादी कर लेना चाहता हूँ कि आप गधे के साथ वो न रहे। तो योगेश कहता है इस गधे को लेकर कहाँ जा रहे हैं, रमेश
रमेश ने कहा, दिखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं है, कुत्ता है। तो योगेश कह रहा है, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही बोल रहा हूँ कि ये गधे के साथ कहाँ जा रहे हो। 5, सामने से गधे को आते देखकर पति ने कहा, पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। तो पत्नी जी ने कहा, जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। तो ऐसे आपको चुटकुले पूरे करके आपकी नोटबुक में सारे चुटकुले लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें है निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसमें से शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो बच्चों शब्दकोश हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले स्वर वाले शब्द आएंगे, उसके बाद व्यंजन वाले शब्द आएंगे, और स्वर और व्यंजन के बाद हम उसको हम देखते हैं कि 12 खड़ी में मात्राएं जैसे आती है उस हिसाब से हम उसको शब्दकोश के आधार पर लिखेंगे। तो वो शब्दकोश हम सीख चुके हैं। मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको रीड करके सुनाऊंगी। इसमें से कोई भी 7 शब्द आपको लेना है, जैसे कि आप कुत्ता ले सकते हो, खरगोश ले सकते हो, शिकार ले सकते हो, महाशय ले सकते हो। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है कि एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा, खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा, कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा, अंत में उसकी सांस फूल गई, थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देखकर ताना कसा, एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, महाशय मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत की कई कारण होते हैं। देखो बच्चों इस पैराग्राफ में कितना अच्छा और कितना मीनिंगफुल यहाँ पे दिया गया है कि कुत्ते ने बहुत अच्छा बोला कि वो अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था कि खाने के लिए, खरगोश को खाने के लिए दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। तो सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी 7 शब्द चुनकर उसको शब्दकोश के क्रम में अच्छी तरह से लिखना है। तो ये आपको खुद को करना है। उसके बाद योग्यता विस्तार में निम्नलिखित हास्य कविता का पठन कीजिए। तो इतिहास की परीक्षा, यहाँ पे भी हमें चुटकुलों की तरह हंसना ही है, तो मैं आपको सुना रही हूँ, सुन के हम हंसेंगे। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में, लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में वे आँख मिचौली खेले थे। यहाँ पे गांधी जी, महात्मा गांधी जी और बुद्ध दोनों साथ में आँख मिचौली खेल रहे हैं ऐसा बताया है। उसके बाद है राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था, अकबर ने हिंद महासागर अमरीका से मंगवाया था। अकबर ने हिंद महासागर कहाँ से मंगवाया था? अमरीका से मंगवाया था। महमूद गजनवी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकार औरों की जेब काटता था। औरंगजेब तो ये क्या है, औ रंग और जेब, तो रंग में आकर वो क्या करता था, औरों की जेब काटता था। यहाँ पे औरंगजेब जो नाम है उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग दिया गया है, उसमें बहुत ही चुटकुला जैसा लग रहा है, हंसी आती है हमें। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख देख, बोला इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक, औरों के पर्चे फेंक दिए मेरे सब उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देख कर बाकी के 100 सारे नंबर काट लिए। क्या किया शिक्षक ने, पर्ची मेरी ले ली और सबको मार्क्स दे दिए और मेरे नंबर 0 नंबर दे दिए। तो यहाँ पे ये हंसी वाले जो चुटकुले जैसी जो कविता है जो सिर्फ सुननी ही है, हमें लिखनी नहीं है। आपको अभ्यास और स्वाध्याय के सारे प्रश्न जो मैंने आपको समझाए वो सारे आपको अपने आपकी नोटबुक में लिख देने हैं। इस बार बस इतना ही। थैंक यू।